सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस हमारे गेम के अंदर पोकर एमपी 40 गन स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, इसका 100% कंफर्म डेट क्या होने वाला है और पोकर एमपी 40 गन स्किन हमारे गेम के अंदर किस इवेंट में आएगा, इसे निकालने के लिए टोटल आपको कितना डायमंड लगेगा, यही सब कमेंट अगले 2 दिन से मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहा है, इसीलिए ये वाला वीडियो फिर से बनाना पड़ा। उसके बाद हमारे गेम के अंदर आने वाला अपकमिंग इवेंट के बारे में भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए ये वाला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसलिए ये वाला वीडियो का आप पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू मास्टरमाइंड बनी बंडल स्पेशल हमारे गेम के अंदर जी 36 गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की ये वाला गन की स्किन का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो की काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला गन का स्किन का लुक और एनिमेशन दोनों ही काफी अच्छा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मुझे तो ये वाला गन का स्किन काफी अच्छा लगा। ये वाला गन का स्किन न्यू मास्टरमाइंड बनी बंडल के स्पेशल में डिजाइन किया गया है। ये वाला गन का स्किन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें डैमेज डबल देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी हमें सिंगल देखने को मिलने वाला है, मैगजीन हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये वाला G36 गन का स्किन हमारे गेम के अंदर रिंग इवेंट में आएगा, इसी रिंग इवेंट में हमें मास्टरमाइंड बनी बंडल भी देखने को मिलने वाला है, जो कि ये वाला मास्टरमाइंड बनी बंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। इस बनी बंडल को आप रेड बनी बंडल भी कह सकते हो। ये वाला रेड बनी बंडल आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट कर देना। मुझे तो ये वाला रेड बनी बंडल काफी अच्छा लगा। ये वाला मास्टरमाइंड बनी बंडल हमारे गेम के अंदर इसी रिंग इवेंट में आएगा। उसके बाद इसी रिंग इवेंट में हमें गुलवाल का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि ये वाला गुलवाल का स्किन आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये वाला गुलवाल का स्किन भी काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला गुलवाल का स्किन भी न्यू मास्टरमाइंड बनी बंडल के स्पेशल में डिजाइन किया गया है। ये वाला गुलवाल का स्किन का लुक काफी अच्छा है, बट इसमें एनिमेशन होता तो और भी काफी अच्छा लगता। उसके बाद हमें बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये वाला बैकपैक का स्किन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला बैकपैक का स्किन का लुक काफी अच्छा है, ये भी हमें इसी रिंग इवेंट में आएगा, इसे भी मास्टरमाइंड बनी बंडल के स्पेशल में डिजाइन किया गया है। उसके बाद हमें बनी मास्टरमाइंड प्रोफाइल बैनर देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला बैनर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद लास्ट में हमें बनी मास्टरमाइंड प्रोफाइल अवतार देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला अवतार भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है, ये भी हमें इसी रिंग इवेंट में आएगा। इस रिंग इवेंट में आप यूनिवर्सल रिंग टोकन का यूज नहीं कर सकते हो, इस रिंग इवेंट में आप न्यू मास्टरमाइंड रिंग टोकन यूज कर सकते हो। अगर आप इस रिंग इवेंट से ऑल रिवार्ड निकालना चाहते हो, जैसे निकालने के लिए टोटल आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो इसे कम में भी निकाल सकता है, वरना आपको डायमंड लग जाएगा। तो गाइस ये सब रिवार्ड हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी आने वाला है। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी AN-94 और MP5 गन का स्किन का एक टोकन व्हील इवेंट देखने को मिलने वाला है। इस टोकन व्हील इवेंट में हमें करीब 7 गन का स्किन देखने को मिलेगा। पहला में हमें AN-94 गन का वाइल्ड फायर बोल्ट स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की ये वाला गन का स्किन का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो की काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला गन का एनिमेशन भी काफी अच्छा है। इस गन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें डैमेज डबल देखने को मिलेगा, रेट ऑफ फायर सिंगल देखने को मिलने वाला है, मैगजीन हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे में हमें MP5 गन का रॉक लावा स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये वाला MP5 गन का स्किन का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये वाला गन का स्किन भी काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला गन स्किन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ फायर डबल देखने को मिलेगा, रेंज सिंगल देखने को मिलने वाला है और रिलोड स्पीड हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये वाला MP5 गन का स्किन का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। उसके बाद तीसरे में हमें MP5 गन का औरोरा ओनी स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये वाला MP5 गन का स्किन का लुक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला गन का स्किन का एनिमेशन भी काफी अच्छा है। इस गन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ फायर डबल देखने को मिलेगा, एमोर पेंट्रेशन सिंगल देखने को मिलने वाला है, मैगजीन हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि ये भी काफी अच्छी बात है। ये वाला MP5 गन का स्किन भी हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में आएगा। इसी के साथ में चौथा गन स्किन का बात करे तो यहाँ पर भी हमें MP5 गन का स्किन देखने को मिलेगा, जो की ये वाला गन स्किन का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। ये वाला गन स्किन का नाम जंगल लावा है। इस गन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें रेंज डबल देखने को मिलेगा, मैगजीन हमें सिंगल देखने को मिलने वाला है और रिलोड स्पीड हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये भी हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में आएगा। उसके बाद पांचवा में भी हमें MP5 गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की ये वाला MP5 गन का स्किन का लुक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो की काफी अच्छा दिख रहा है। इस गन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें आर्मर पेंट्रेशन डबल देखने को मिलने वाला है, डैमेज डबल देखने को मिलेगा और मूवमेंट स्पीड माइनस में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये भी हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में आएगा। उसके बाद छठवा में हमें AN-94 गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि ये वाला गन स्किन का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इस गन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें एनवर्ड पेंट्रेशन डबल देखने को मिलेगा, एक्यूरेसी हमें सिंगल देखने को मिलने वाला है, उसके बाद मूवमेंट स्पीड हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये वाला AN-94 गन का स्किन भी हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में आएगा।
आएगा। उसके बाद सातवां यानी कि लास्ट में हमें N94 गन का स्किन ही देखने को मिलने वाला है। ये वाला स्किन का नाम बात करें तो ट्यूबलाइट बोल्ड इसका नाम है और इस गन का एंट्री बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ फायर डबल देखने को मिलने वाला है। एक्यूरेसी हमें सिंगल देखने को मिलेगा। रिलोड स्पीड माइनस में देखने को मिलने वाला है जो कि काफी अच्छी बात है। इस टोकन व्हील इवेंट में आप यूनिवर्सल रिंग टोकन का यूज कर सकते हो। इस इवेंट का डेट की बात करें तो ये हमें 24 अगस्त को आएगा। आप ये सब गन स्किन के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके बता देना। अगर आप ये सब गन स्किन निकालना चाहते हो जिसे निकालने के लिए टोटल आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो उसे कम में भी निकल जाएगा वरना आपको डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर पोकर M40 गन स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर पोकर M40 गन स्किन किस इवेंट में आएगा। तो गाइस पोकर M40 गन स्किन हमारे गेम के अंदर रिंग इवेंट में आएगा। इस रिंग इवेंट में हमें ऑल पोकर M40 गन स्किन रिटर्न में आने वाला है। इस रिंग इवेंट में आप येलो वाला पोकर M40 गन स्किन को आपको डायरेक्ट टोकन व्हील इवेंट से निकालना होगा क्योंकि ये हमें एक्सचेंज रिवार्ड में नहीं होने वाला है, इसलिए आपको डायरेक्ट टोकन व्हील इवेंट से ही इसे निकालना होगा। उसके बाद ब्लू पोकर M40 गन स्किन भी एक्सचेंज रिवार्ड में नहीं हो सकता है, हो सकता है कि इसे भी आपको डायरेक्ट टोकन व्हील इवेंट से ही निकालना होगा। अगर आप ऑल पोकर M40 गन स्किन निकालना चाहते हो जिसे निकालने के लिए टोटल आपको 4000 से लेकर 5000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो इसे कम भी निकल जाएगा वरना आपको डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर पोकर M40 गन स्किन कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इसका 100% कंफर्म डेट बताने से पहले अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हो गाइस इसी YouTube चैनल के होम पेज पर जाकर वहां पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप इस YouTube चैनल का मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी वीडियो में कमेंट करते हो तो गाइस वो वाला कमेंट के नीचे आपको स्पेशल बैच देखने को मिलेगा। तो गाइस पोकर M40 गन स्किन हमारे गेम के अंदर दिवाली इवेंट के स्पेशल में रिटर्न आने वाला है। डाटा माइनर के लीक के हिसाब से हमारे गेम के अंदर ऑल पोकर M40 गन स्किन सितंबर मंथ के एंडिंग में आएगा। मैं अपने हिसाब से ओपिनियन बताऊं तो ये हमें अक्टूबर मंथ में रिटर्न में देखने को मिल सकता है क्योंकि दिवाली इवेंट हमारे गेम के अंदर अक्टूबर मंथ में ही रिटर्न आएगा, इसलिए काफी ज्यादा चांस है कि अक्टूबर मंथ में ही हमारे गेम के अंदर ऑल पोकर M40 गन स्किन रिटर्न आएगा। डाटा माइनर के लीक के हिसाब से बताऊं तो ये हमें सितंबर मंथ में ही रिटर्न में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि पोकर M40 गन स्किन हमारे गेम के अंदर कब रिटर्न में आएगा वो कमेंट कर देना। उसके बाद स्ट्रेंजर ऑफिस भाई ने कमेंट करके पूछा था कि हमारे गेम के अंदर FFWS गैलेक्सी बंडल कब रिटर्न में आएगा। तो गाइस FFWS गैलेक्सी बंडल हमारे गेम के अंदर नवंबर मंथ में आने का काफी ज्यादा चांस है क्योंकि नवंबर मंथ में हमारे गेम के अंदर FFWS इवेंट स्टार्ट होगा, इसलिए काफी ज्यादा चांस है कि FFWS गैलेक्सी बंडल हमारे गेम के अंदर नवंबर मंथ में ही रिटर्न आएगा। अगर FFWS गैलेक्सी बंडल हमारे गेम के अंदर नवंबर मंथ में नहीं आता है तो गाइस हमें 2025 नवंबर मंथ में रिटर्न आने वाला है, उसके बाद आपको काफी ज्यादा वेट करना होगा। उसके बाद आर्यच राज भाई ने भी कमेंट किया था कि हमारे गेम के अंदर पर्पल स्टेट बंडल कब रिटर्न में आएगा। तो गाइस पर्पल स्टेट बंडल हमारे गेम के अंदर कब रिटर्न में आएगा अभी उसका कुछ भी लीक्स नहीं मिला है। अगर आने वाले समय में पर्पल स्टेट बंडल का रिटर्न का कुछ भी अपडेट मिलता है तो गाइस आने वाले वीडियो में आपको बता देने वाला हूं। तो गाइस ये वाला वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस मिलेंगे आने वाली वीडियो में।